गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 2 फ्रॉम अवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट डायनेस्टीज, द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पर आई हैं और कहाँ से आई हैं ये डायनेस्टीज। इन दिस मैप वी मे सी देर आर थ्री डायनेस्टीज, थ्री मेजर डायनेस्टीज। वन चाहमनाज, सेकेंड पालाज एंड थर्ड इज राष्ट्रकूटास। आवर फर्स्ट टॉपिक इज द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। जो नई डायनेस्टीज आ रही हैं वो कहां से और कब आई हैं। बाय द 7th सेंचुरी देर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियस चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 7th सेंचुरी तक यहां पर काफी बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स रहे हैं, वेरियस चीफ्स रहे हैं, जो किंग्स की हेल्प करते थे। और किंग्स इन्हें क्या नाम देते थे, सामंताज। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। तो ये सामंत अपने किंग्स को प्रेजेंट देते थे, गिफ्ट देते थे और एंड प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। एज सामंताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ, और धीरे धीरे इनके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत और महामंडलेश्वर, और बाद में इन्होंने अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर कहना शुरू कर दिया। इट मीन्स द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, एक क्षेत्र का मालिक। तो इस चीज का एक एग्जाम्पल कहाँ मिलता है हमें, राष्ट्रकूटस इन द डेक्कन। इनिशियली देवर सबोर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो शुरू में तो ये क्या थे, चालुक्यास के सबोर्डिनेट थे। बट इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग ए राष्ट्रकूट चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भ। तो इसने क्या किया, राष्ट्रकूट के चीफ जो थे, चालुक्य की जो साम्राज्य था उनकी अधीनता हटा दी, और इसने क्या किया, एक यज्ञ किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भा जैसा नाम दिया गया। और इसके हिसाब से ये एक रीबर्थ था। इट वॉज थॉट टू लीड द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट ओनली बाय बर्थ। शुरुआत में क्षत्रिय नहीं थे जन्म से, और इसके बाद वो क्षत्रिय हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस लाइन्स, हिरण्यगर्भा, व्हाट इज हिरण्यगर्भा, प्लीज अंडरलाइन दिस और नोट इन योर नोटबुक। एंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ द मेन वर्ड वाज, हु वाज महामंडलेश्वर और महासामंत, प्लीज नोट इट केयरफुली। कुछ और एंटरप्राइजिंग फैमिलीज भी यहाँ पर आई, मिलिट्री स्किल्स उन्होंने यूज़ किया अपनी किंगडम के लिए। इसका इंस्टेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कादम्ब म्यूराश्रवन एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र। ये दो किंग्स जो थे, वैसे तो ये कौन थे, ब्राह्मण थे, एंड हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स। लेकिन इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया ब्राह्मण का, और क्या किया, इन्होंने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए और अपने किंगडम्स जो हैं एस्टेब्लिश किए, कहाँ पर, कर्नाटका में और राजस्थान में। नेक्स्ट हेडिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। इन किंगडम्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे थे लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो इन्होंने अपने लिए नए जो है पोस्ट बना ली, एक नए नाम अपने को देने शुरू कर दिए, एक पदवी जिसे कहते हैं हम। तो ये क्या कहलाते थे अपने आप को, महाराजा, अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट, इस तरह की वर्डिंग्स ये अपने लिए यूज करवा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास।
तो वैसे तो ये दावा करते थे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का, पावरफुल दिखाने का, लेकिन ये चलते कैसे थे सामंतास की हेल्प्स के साथ। इन ईच ऑफ दी स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पीजेंट्स कैटल कीपर्स आर्टिजन्स हु वर ऑफन परस्यूड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। तो जहाँ पर भी ये लोग अटैक करते वहाँ का सारा जो भी हिस्सा होता था, सारी चीज़ें जो होती थी वो सब इनके कब्ज़े में आ जाती थी। रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था यहाँ पर ट्रेडर्स से। अब टैक्सेस होते कैसे थे, देर वर 400 टैक्सेस, 400 के करीब जो हैं ये लोग टैक्सेस लेते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टैक्सेस विती, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड कदमाई और लैंड रिवेन्यू। तो इनसे काम करवा करके या लैंड रिवेन्यूज के रूप में जो टैक्स लिया जाता था। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। जो टैक्सेस से पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ लगाते हैं, किंग्स की एस्टेब्लिशमेंट में एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो ज़्यादातर हिस्सा ये कहाँ लगाते थे, टेम्पल्स बनाने में और फोर्ट्स बनाने में। देवर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और वॉर्स के अंदर वो पैसा लगाया जाता है ताकि अपना शासन जो है बढ़ाया जा सके, अपने आप को अच्छा बनाया जा सके और ट्रेड रूट्स बनाए जा सके, अपने लैंड ज़्यादा हो हमारे पास। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब जिन लोगों की ड्यूटीज लगाई जाती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो लोग कौन होते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज पोजिशन वर्क ऑफ एन हेरिडेटरी। तो ये लोग होते थे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से, जो जाने माने लोग होते थे वहाँ के, और उन्हीं के बाप दादा बेटे उन्हीं को वो जिम्मेवारी जो है दी जाती थी। तो एक तरह से हेरिडिटरी बेस था ये प्रोफेशन। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजिशंस। आर्मी में भी ऐसा होता था, वहाँ पे भी ऐसे ही पोस्ट दी जाती थी और ज़्यादातर किंग के क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं उन्हें ये पोजीशंस मिलती हैं। नेक्स्ट इज प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति क्या होती थी कि एक राजा अपने लिए जो लिखवाता था या राजा की बढ़ाई के लिए जो लोग लिखते थे, लेख लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, तो उन्हें नाम दिया जाता है प्रशस्ति। ज़्यादातर लोग ये लिखते थे राजा से गिफ्ट लेने के लिए कि राजा हमें बदले में कुछ रिवार्ड देगा। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो जो इसके अंदर लिखा गया वो कोई पूरा का पूरा सच नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें बताया क्या जाता है। रूलर्स वॉन्टेड टू डिपिक्ट देमसेल्व एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स, कि वो कितने शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्राह्मण्स लिखते थे और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प भी करते हैं वो लोग कभी कभार। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। तो ऐसी ही प्रशस्ति जो है नागभट्ट की लिखी हुई है, नागभट्ट के बारे में लिखी गई है। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लोइट्स ऑफ द नागभट्ट प्रतिहार किंग। अब उसने जो भी डीड्स की, जो भी उसके अच्छी फंक्शनिंग जो थी वो सारी इसके अंदर लिखी गई है ताकि ये दिखा सकें कि नागभट्ट कितना अच्छा रहा है, उसका पीरियड कितना अच्छा रहा है। तो उसकी विक्ट्रीज यहाँ पे दिखाई गई हैं, कहाँ कहाँ पे उसने विक्ट्रीज की, किन किन किंग्स को उसने डिफीट किया, वो सब इसमें है। अब ब्राह्मण्स लिखते थे प्रशस्तिज, तो किंग्स क्या करते थे, ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड, तो बदले में वो इनको जमीन देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, तो इन्हें नाम दिया जाता था कॉपर प्लेट्स, ताम्रपत्र भी कहा जाता था। तो ये उनको दिए जाते थे लैंड जिसके ऊपर ये लिखा गया, दीज आर कॉपर प्लेट्स।
तो इनको जो लैंड दी जाती थी उसमें होता क्या क्या था, पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांटेड बाय द चोलास। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैकमेंट्स। तो इसमें फ्रूट बेरिंग ट्रीज, वाटर लैंड, गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस, विलेज, एंथिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, ये सारी इसमें होती थी। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक ब्रिक्स, ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डक, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है वहाँ पे। ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए कैनाल्स बनवा सकता है वो। तो यहाँ पे एक ऑथर रहे हैं कल्हाना। कल्हाना ने क्या किया था, संस्कृत के अंदर पोएम्स लिखी थी कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। कश्मीर के ऊपर जिन लोगों ने शासन किया, जो किंग्स रहे वहाँ पे हिस्ट्री के अंदर वहाँ की, तो उनके बारे में इसने लिखा 12th century के अंदर। कब लिखी थी ये, 12th century, ए लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड हु रोट इट, कल्हाना, कल्हाना ने लिखी थी। और उसने इसमें लिखा क्या था, वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। तो जहाँ से इसे जो भी नॉलेज मिल पाई, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, आई विटनेस अकाउंट्स जो रहे हैं और अर्लियर हिस्ट्रीज, पीछे की हिस्ट्रीज में क्या उसने पढ़ा, वो सब इसने अपनी पोएम के अंदर लिखा। टू राइट हिज अकाउंट, द राइटर ऑफ प्रशस्तीज, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। थोड़ा सा फर्क था यहाँ पे, प्रशस्तीज तो लिखी जाती थी प्रेज के अंदर, लेकिन इन के अंदर यहाँ पर क्रिटिसाइज भी कई बार किया जाता है किसी किंग की पॉलिसी को। नेक्स्ट